देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि जगत का पेखना पेख्या और धनी का नाम ना लिखा। इन शंकर भगवान और कहते नौ नंबर बना करते बे मतलब के। अब खेल मालिक सारा कर उन बच्चों अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए, पार करने के लिए जंगल में आकर लेट गया कमल के फूल पर जल में, और वो शुक्र मना रही है शंकर भगवान का। तो ये आज तक हम ऐसे धोखे में रहे, परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इस समय की एक कैसी प्यारी वाणी बोली है, ये आपको थोड़ी सुनाता हूं। क्योंकि परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिव्य दृष्टि दी थी और सचखंड सतलोक दिखाकर आदरणीय नानक साहिब जी की तरह ऊपर लेकर गए थे, और 8-10 घंटों के बाद उनकी आत्मा को वापस छोड़ा था गरीबदास जी की, और उनको चिता पर रख दिया था मृत जान के। गरीबदास बालक थे 10 वर्ष के, और चिता के ऊपर ही वो चेतन हो गए थे, अपने आप बंधन टूट गए, उठकर चल पड़े थे। उस दिन से ये वाणी बोलने लग गए थे जो आंखों देखी थी भगवान की, और फिर परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो क्या बताया, 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर, अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए, शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अवगत पुरुष अलेख, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाई। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि सेवक हो के उतरे, सतलोक से चलकर आए एक दास बनकर, सेवक बनकर, सेवक बनकर उतरे यहाँ, कबीर दास कवाए कहा करते थे अपने आप को। और पुण्यात्माओं, ये हमारे लिए संकेत और उदाहरण था भगवान का, कि यदि तुमने परमात्मा चाहिए, ये संसार की किसी बकवादों की इच्छा मन में ना रखो, टाइम पास करने के लिए जैसी व्यवस्था मालिक करे उसी में संतुष्ट रहे, केवल संसारिक ही डिमांड नहीं रखे, केवल मोक्ष की चाह रखे फाइनल, फिर यहाँ के सुख तो भगवान आप पर दे देगा अपने। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अपने आत्माओं कितना धनी व्यक्ति है, और कितना ही वो चाहे प्रधानमंत्री है, और उसका पुत्र कहीं जा रहा है और दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है, मर जाता है, तो वहाँ उसका रोल कोई नहीं था, वहाँ भगवान का रोल बचाव है। और उससे हम दूर हो गए तो ये चाहे कितने हम उच्च अधिकारी हों या कितना धनी हों, तो हमें भगवान का यदि सहारा है तो ऐसे समय पर परमात्मा का काम है वहाँ पर, वहाँ धनी का काम है। तो ऐसे भी आपके ऊपर अगर सतभक्ति कर रहे हो, सच्चे दिल से किसी प्रकार की कोई आपत्ति आवेगी, तो परमात्मा ने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कहते पहुंचूंगा क्षण एक में। जन अपने के हेत एरनाकुश उदर उदारिया रावण मारा खेत, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही,
जीव उदारण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं सेवकों का आए वो इस पृथ्वी के माही और जीव उदाहरण जीवों का कल्याण करने के लिए जगत गुरु यानी सर्व ज्ञान संपन्न एक संत की भूमिका की। गरीबदास जी कहते हैं बार बार बलिहारी में उसके ऐसा दयालु वो खुद आता हमारे को संभालने के लिए। काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधार, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। कोट कर्ण शशि भान सोदे आसन अदर विमान, प्रसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर ये हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जैसे दमक पदम अनंत। अब जब नीमा ने परमात्मा को गोदी में लिया, गोद लिया मुख चूम कर लाड करे उस मालिक के, हेम रूप झलकंत यानी परमात्मा का शरीर बर्फ की जैसा वाइट था, अपने आत्माओं परमात्मा के लिए हम तड़प रहे हैं और वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा नीमा के गोदी में और बालक रूप में। अब जैसे बर्फ है, बर्फ की डली भी कहीं रखी हो और स्वाभाविक हाथ भी उस पर लग जा तो अपना ठंडापन वो दिखाती है, तो ऐसे परमात्मा जहाँ जिसके संग है तो उसको कितनी शांति हुई होगी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और कितनी पुण्यात्मा है वो जिनको भगवान आकर मिले। अब वहाँ से क्या हुआ कि नीरू बाहर आया निकल कर, अब नीरू को प्रेरणा बनी कि अभी यदि हम इस बालक ने घर ले जाएंगे तो गांव के नगर के लोग पूछेंगे कि तुम कहाँ से लाए, हम बताएंगे कमल के फूल पर पाया, तो किसी का विश्वास हो नहीं है और ये हमसे मारपीट भी कर सकते हैं कि बताओ किसका उठा लाए तुम बालक, हम किसका बताओगे, हम सच्ची कहेंगे उनका जचा नहीं तो हो सकता हमें नगर निकाला दे दें, हम घर के रहना गाठ के और बालक भी छीन लें। तो उसने अपनी पत्नी से ये सब कहानी सुनाई और कहा कि तू इस बालक ने यही रख दे, इसी में हमारी खैर है। तो नीमा ने कहा देखो जी मैं इस बालक ने यहाँ छोड़ नहीं सकती, पहले तो बहन बेटी माताओं की आत्मा घनी नरम होती है और दूसरे बालक एक ऐसा है और उसको कैसे छोड़ दूं, लेकिन वो लोक लाज के कारण घना अंधा हो गया था, डर था उसको कि पहले तो मुसलमान बना दिए जबरदस्ती कोई साथी रहा ना, हिंदू हमारे साथी नहीं मुसलमानों में भी हमारा इतना लिंक नहीं, कोई हमारा समर्थक है हो जा कि भाई क्यों निकालो हो यहाँ से। इस सारी आने वाली आपदाओं से नीमा को अवगत कराया। नीमा कहने लगे जी पता नहीं इस बालक ने मेरे पर के जादू कर दिया, मेरा तो इसमें अटूट मोह हो गया, मैं इसने छोड़ नहीं सकती, मैं तो इसको लेकर के देश निकाला भी ले लूंगी। अब नीरू ने सोचा या तो कति पागल होगी, इसने बालक के बालक दिखे हैं आगे का ना दिखता कुछ भी, तो उसने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था जीवन में, नहीं तो उसको बहुत प्यार देता था, यही जान करके इसका बालक नहीं है और ये बहुत दुखी रहती है, जो भी वो कहता हाजिर रहता था, कभी ना नहीं की उसने। तो वो कहने लगा कि तूने मेरी इस नम्रता का घना नाजायज फायदा उठा लिया, आगा पीछा नहीं देख रही है तू, और इस लड़के ने या तो यहाँ रख दे नहीं तेरे दो मारूंगा थप्पड़। अब यूं हाथ किया था तभी नीमा के गोद में परमात्मा विराजमान शिशु रूप में कहा कि नीरू मुझे घर ले चलो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी। वो नीरू डर गया कि बालक बोल रहा है, उसने सोचा कि देश में कोई फरिश्ता हो भूत प्रेत हो
और तेरे साथ वही ऊट पटांग ना बन जाए, उडरता आगे आगे हो लिया घर ले आए। अब नगर के लोग आके देखें वो सामान्य बालक थोड़ा ही था, वो तो परमात्मा थी। ऐसा न्यारा नूर, ऐसा न्यारा चेहरा, बिल्कुल अलग बालक, जैसे आपने कई अंग्रेज देखे होंगे और उनके बालक देख लिए तो कहना है कि उन बालक को हमारे बालक हम लुटा दे तो न्यारा दिखे, और उससे भी घना कई गुना नूर मालिक का। वो तो खाल सी उतरी हो अंग्रेजा की तय, और वो तो परमात्मा एक गजब का शरीर था दाता का, बहुत सुंदर है। तो सब देखना और हैरान रह जा, पूरे नगर में बात फैल गई, औरतें गीत गाती आवे टोड़ी की टोल बना के, कोई कह उनका तो भगवान उतर रहा है, कोई नो कह इंद्र है, कोई कह कुबेर, कोई कह ब्रह्मा विष्णु महेश, में से कोई एक दिख है, इस तरह की वटकड़े लगा रहे थे। कहते हैं दिल्ली का राजा भी देखने के लिए आया उस बालक को। अपने आत्माओं फिर क्या हुआ, 25 दिन के हो गए परमात्मा शिशु रूप में लीला करते हुए, कुछ खावे पीवे नहीं, और शरीर ऐसे फल फूल रहा है जैसे किलो दूध डेली पीता हो बालक। उधर से नीमा और नीरू दोनों चिंतित, नीमा तो और गणी दुखी होगी कि भगवान पहले तो आपने बालक देना नहीं था, ये शंकर भगवान यदि ये दे दिया तो दाता ही लो मत, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा, और ये मरेगा तो साथ मैं मरूंगी, मैं नहीं जी सकती। ये उसके हृदय की से थी, नो फॉर्मेलिटी नहीं थी। तो परमात्मा ने देख लिया या बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं को ना, प्रिया जरूर मर जाएगी इस चिंता चिंता। तो परमेश्वर कबीर जी ने शंकर भगवान को प्रेरणा की, शिवलोक से शिवपुरी से शिव जी आए एक साधु रूप बनाकर, और नीमा रो रही थी बुरी तरह, उसे कहने लगे माता क्यों रो रही हो तुम। नीमा ने कहा महात्मा जी मत सुनो मेरे कष्ट को। तो फिर महात्मा के रूप में शंकर भगवान ने कहा माता ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी तरह बता दे तो हल्का हो जाता है, हो सकता मेरे सत्र का कोई हो काम में आशीर्वाद वगैरह दूंगा तेरे को। अब नीमा ने सारी कहानी बता दी कि ये हमारा संतान नहीं थी, और अब मैंने एक दिन अपने शंकर भगवान से हृदय से पुकार करी थी, और उन्होंने यू लाल दे दिया, कमल के फूल पर पाया हमने तालाब के अंदर, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, इसलिए रो रही हूँ। अब 25 दिन का बालक कुछ खाए पिए नहीं तो ये कभी भी मर सकता है, मैं यूँ इंतज़ार करूँ हूँ कि ये तो मरिया आज नहीं तो रात रात न मर लेगा, तो मैं साथ मरूंगी इसके, मेरा फाइनल फैसला है। अब शंकर भगवान ने कहा वो बच्चा कहाँ तेरा, मुझे दिखाना। अब नीमा लाई उठाकर, ये सोचकर साधु संत कुछ दया बख्श दिया करते हैं, अंदर गई बालक ने लाई उठाकर, और सोचा महाराज जी के चरणों में डाल दूं, आशीर्वाद दे देंगे, बच्चा कुछ खा पी लेगा उसके चरणा की धूल में। ऐसे नो परमात्मा को शिव भगवान जो साधु रूप में खड़े थे उनके चरणों में डालने के लिए नीचे को किया, हाथों से उठ गया परमात्मा, और शंकर भगवान के सिर के लेवल में आकर हवा में डट गया वो बालक रूप परमात्मा। अब नीमा ने सोचा यू महाराज कसूर करामाती है, इसने मेरे बेटे को देख हवा में उड़ा दिया, ये भी चमत्कार वो उस बाबा जी का ईमान रही थी। अब शंकर भगवान ने देखा ये कोई सिद्ध पुरुष है, उसने ऐसे हाथ किया तो शंकर भगवान के हाथों में भगवान आ गए परमात्मा कबीर जी। तब भगवान नवजात शिशु रूप में शंकर भगवान से कहने लगे कि आप इनसे कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी बछिया, और उस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो महात्मा जी शंकर भगवान, तो वो दूध दिया करेगी, मैं उस दूध ने पिया करूंगा डेली। शंकर भगवान ने नीमा से कहा तेरा पति कहाँ, उसको बुलाओ। नीरू बुला लिया, उसे कहा कि ऐसे ऐसे कुंवारी गायें ला के देते हैं जिसने दूध छोड़ रखा हो बछिया हो,
जाके संग बैल नहीं लागा, उसको कवारी कहते हैं। और एक मिट्टी का कोरा बर्तन लाइए कुमार के थे स्वच्छ, उसने दोनों गाय भी बछिया भी ले आया और साथ में कुमार के थे एक छोटा सा बर्तन मिट्टी का लिया। अब शंकर भगवान ने उस बछिया के हाथ कमर पे रखा, आशीर्वाद भरा, लंबे लंबे सतन हो गए और नीचे वो पात्र रख दिया, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। और वो परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं हमने भगवान की पहचान होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान दिया। अभी तक तो ये ब्राह्मण लोग हमने अंडोला बना रहे थे हमारा, ये नाप भी पता नहीं था हमारे गुरुओं ने कि सदग्रंथ क्या बताते हैं। और इस भगवान कृष्ण और विष्णु को भगवान बताएंगे, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है, ये इनका पिता काल कहता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। तो अब आपको प्रमाण देते हैं थोड़ा सा। एक तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धार के प्रकट होता है, सतलोक से चलकर आता है, कुछ समय संसार में रहकर एक जनसाधारण की जैसी क्रियाएं करता है, एक जनसाधारण जैसे कर्म करके अपना निर्वाह करके एक उदाहरण पेश करता है, तो उसने जब वो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अपने आत्मा वेद परमात्मा का इतिहास है, परमात्मा की का विधान है, और भगवान क्या करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये उन सदग्रंथों में वर्णित है जिनको हम एक बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। और उन्हीं में जो प्रमाण मिल जाता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से जान लेता है कि परमात्मा कौन है। इसलिए इस शिक्षा से हम इन सदग्रंथों को स्वयं देखने योग्य हो गए, समझने योग्य हो गए, और अब समझ कर भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कबीर सागर में 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा की लीला को लिपिबद्ध किया था, उनके द्वारा बोली गई वाणी, उनके द्वारा की गई लीलाएं। जैसे भाई बाले वाली जन्म साखी में आदरणीय नानक साहिब जी के जो लीलाएं थी वो बालाजी ने लिखी, बालाजी और मर्दाना जी उनके साथ रहते थे, तो वो प्रमाणित है। ऐसे ही आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की लीला लिखी, उनसे सुनी और आंखों देखी, उसका नाम कबीर सागर है। ये देखिएगा, ये कबीर सागर, इसका कौन है संशोधक करता, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई से। इसमें ज्ञान सागर अध्याय है, इसमें परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है कैसे प्रकट हुए थे। ये 74 पृष्ठ पे है ज्ञान सागर में। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासों कुन असबोल ही दीन्या। अब बच्चे को वहां से लेकर आगे जंगल से सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन पानी बक्से नहीं, खावे नहीं, अर्जुल्ला शोक जनावे, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद से कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, रामानंद ध्यान तब धारा, दुर्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाती, हर सेवा की नी बलवाती, कुछ
तुम सेवा हर की चूकाता तो भयो दुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीना, ताते उद्धान में सुत तोहे दीना। तेरे को इसलिए जंगल में ये पुत्र दिया, भगवान ने तेरी सुन ली। अच्छा नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, संकट में मैं तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदा वंत कुछ खाई, मेरा बालक भूखा है कुछ खावे ऐसा यतन बताओ। रामानंद जी से कहा नीरू ने, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। एक बचिया लिया जिसको बैल ने कभी टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा। अरे क्लियर हो गया सब, एक बात है यानी कुंवारी गाय, दूध चले तेई थन ते दूध ही धरो छिपाई, अक्सुदावंत जब होवे ताके देव खवाई। अब जुल्हा एक बचिया ले आया, चलो दूत कोई मर्म न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अपना आत्मा ये जो कबीर सागर है इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी सी कर रखी है इन्होंने कबीर पंथियों ने, जिसकी जैसी सोच हुई कि संसार शायद इस घटना को और ऐसे नहीं स्वीकार करेगा, उसने उसी ढंग से इस कबीर सागर में परिवर्तन कर लिया थोड़ा बहुत। रामानंद से पूछन गया ये बात सारी कैसे, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनसे अपनी महिमा की यथार्थ वाणी फिर से प्रकट करवाई। और ये कबीर सागर में प्रमाण है कि बर्म पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, ये पहले ही बोला था। अब गरीबदास जी ने क्या लिखा है वो दिखाते हैं कि शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनो दे, दूध न पीवे न अनभक नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैके कमल खुशी बहे लिया ईश को गोदे। कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि शिव उतरे शिवपुरी ते, शिवलोक से चलकर आए वो शंकर भगवान और वहां प्रगट हुए साधु रूप में, अवगत बदन विनोद और मैके कमल खुशी बहे, जब लिया ईश को गोद, उस परमात्मा को छोटे बालक रूप में गोदी में ले लिया, नजर नजर से मिल गई किया ईश प्रणाम, जन्मो मन धन पूर्ण धन काशी निकम, सात बार चर्चा करी वो बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक रख्या ल्या मोमन एक दैन। कहते हैं 25 दिन के बालक रूप में परमात्मा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान से कहते हैं सात बार चर्चा करी उन नीरू नीमा के सामने। तो नीरू और नीमा ये सोच रहे थे कि ये लड़का जो बोल रहा है हमारा, ये भी बाबा जी की रजाए है, ये बड़ा करामात वाला है, और कहते हैं समर्थ अपनी महिमा की भूख नहीं रखता, वो तो समर्थ है, उसने जरूरत नहीं अपनी महिमा कहने और कवाने की, और ये महिमा भी शंकर भगवान को दे दी तो उस बच्चिया पर हाथ रख दिए वह दूध देगी। एक तो परमात्मा ने नोचा था कि आस्था बनी रहे भगवान की मेरे बच्चों में, और जिस कारण से परमात्मा ये लीला कर रहे थे। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, अनब्यावर कुंवारी, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अब हमने यहां से इतना ही लेना था, आपको आगे इसका वर्बली सुनाते हैं लीला परमात्मा की। अब क्या हुआ, जब ये परमात्मा
थोड़े से बड़े हुए फिर इसका नाम रखने के लिए आए परमात्मा का। जैसे काजी आए, मुल्ला आए, पहले तो ब्राह्मण आए क्यों, ताजा ताजा मुसलमान बन रहा था। पंडित जब आकर बैठे, हम नाम रखेंगे, लालच पैसे का, फिर वो मुल्ला काजी आ गए। मुल्ला काजी आ गए तो ब्राह्मण एक कोण में बैठ गए, क्योंकि मुसलमानों का दबदबा घना था। तो काजी मुल्ला कहने लगे, हम रखेंगे इनका नाम, ये मुसलमान है, अब हिंदू नहीं रहा। तो वो वही बैठे रहे ब्राह्मण, चल 2 रुपया हमने मिल लेंगे, इनने मिल लेंगे। तो काजी ने क्या किया, ये क्या करते हैं, कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, और जो भी प्रथम अक्षर निकलता है प्रथम पंक्ति में, उसके ऊपर उस बच्चे का नाम रखते हैं। तो उस पंक्ति में पहला मंत्र कबीर आ गया, कबीर, और कबीर का अर्थ करते हैं ये बड़ा। और कबीर जो ओरिजिनल कबीर वहां था, वो दुलाहे रूप के घर में, तो उन्होंने आपस में फुसर फुसर किया कि इस दुलाहे के लड़के का नाम, और इतना अच्छा कैसे लिखकर कबीर लिखेंगे। तो उन्होंने मन में दोष करके दोबारा फिर से कुरान शरीफ खोला, उन दोनों पृष्ठों पर कबीर कबीर कबीरन 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 वो सारा लिखा पाया। उन फिर और उलट पुलट कर देखी, दूसरी जगह खोला, पूरा कबीर कबीर, यानी पूरी कुरान शरीफ में टोटल अक्षर ओनली कबीर कबीर रह गया, बाकी वो लेख उस बुक में नहीं रहे। और परमात्मा बोले, काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। अब काजी तो चले गए वहीं पर, अब इसने तुम्हारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारी कुरान शरीफ में भी कोई जादू जंतर है, कोई सेवड़ा है, चले गए। परमात्मा का नाम कबीर पक गया। फिर कुछ दिन के बाद मुसलमान रीति से उनकी सुन्नत करने लगे, उनको मुसलमान बनाने आए। देगी मारे अपने किस तरह के ड्रामे थे ये, हिंदू कैसे बनते हैं, हिंदू बनते एक जनेऊ दिया जाता है और एक चोटा रखा जाता है यहाँ पर, तो वो हिंदू है, बना दिया हिंदू, हमने बनाया, भगवान ने तो नहीं बना के भेजा। और फिर मुसलमान कैसे बनते हैं कि लड़के की इंद्री की खाल काट देते हैं आगे से, मुसलमान बना दिया। तो परमात्मा कहा करते, भाई चलो तुमने लड़का तो मुसलमान बना दिया, तो बेटी को मुसलमाननी के ऊपर बनाया तुमने, उनके पास नो आंसर, लेकिन मानना को नहीं, ढीठ हो गए हम। तो परमात्मा का जो सुन्नत करने के लिए नाई पहुंचा, अच्छा कैंची उस तरह पहना के, तो उसको अलग रक्त पर्दा लगा देते हैं। तो क्या देखा उसने, परमात्मा ने 5 लिंग दिखा दिए उसको, नाई का तो पसीने आ गए, हाथ में छूट गई वह कैंची कैंची, और बुखार गया चढ़े। पूछने लगे क्या बात है, अब पता नहीं क्या बात है, वो डर गया एकदम इतना। तो आके देखा उन्होंने कि उनके तो भाई ऐसे ऐसे 5 लिंग हैं। तो परमात्मा बोले, ले कर ले, एक ना करिए कर दे, सारे न कर दे। वो डर गया नाई, अगर सुन्नत एक का की करोगे तुम, बाकी मैं जो भी हिंदू मुसलमान जैसा बना रहूंगा। तो ये आवाज सुनकर और उसको ये लीला देखकर नाई का तो बुखार हो गया, नहीं किया। और परमात्मा फिर सिंह अपना सिंपल वे में, जैसे बालक रूप में आ गई। इस प्रकार जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष की आयु से ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिया करते थे, क्योंकि वो तो मालिक थे। अरे ये ब्राह्मण, ये नकली गुरु हमारे, ब्राह्मण कोई जाति से लिंक नहीं है पुण्य आत्माओं, ब्राह्मण वही है जो गुरु पद पर विराजमान, शिक्षक टीचर, ये हमारे आध्यात्मिक टीचर थे। लेकिन जो गुरु पद पर विराजमान है उन ब्राह्मणों के लिए, जैसे ऋषि हैं, महर्षि हैं, ये ब्राह्मण एक जनसाधारण ब्राह्मण नहीं गिना जाता। उदाहरण के लिए मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे, और मेरे दादा गुरु जी जाट जाति से थे, गाँव छावला दिल्ली के। और मेरे गुरुदेव ब्राह्मण होते हुए कहा करते, मैं ब्राह्मण नहीं भाई,
मैं वो कर्म नहीं करता जो ब्राह्मण किया करते हैं। हम तो खेती करते थे, किसान थे, ब्राह्मण वर्ण में जन्म जरूर था मेरा। हम तो संत हैं, और मेरे दादा गुरुजी जो जाट जाति में थे और फिर काशी विद्यापीठ से पढ़कर चार विषय के आचार्य बन गए थे, तो वो उनको पंडित चिदानंद जी कहा करते थे। तहसील खुरखोदा, जिला सोनीपत के अंदर एक छोटा सा गांव गोपालपुर है, उसके अंदर हमारे दादा गुरुजी का आश्रम बना हुआ है। उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम। अब जाट होते हुए वो तो पंडित कवाए, और पंडित होते हुए हमारे गुरुदेव वो एक संत कवाए। तो ये इस तरह जो महापुरुष होते हैं वो उसी लक्षणों को ग्रहण करते हैं जो हमारे होते हैं। तो वो ब्राह्मण होते हुए भी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहा करते, संत कहते थे, और एक जाट होते हुए वो पंडित जी को आगे। तो दास का उद्देश्य यही है कि उन ब्राह्मणों के ऊपर को उल्हाने दिए जा रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ आज तक यो बेईमाना कर रखा था, सदग्रंथों को जानते नहीं थे और मैं ऋषि पा करे थे, हमारे पूर्वजों को सबको मिसगाइड किया, शास्त्र विधि त्याग का मनमान आचरण करवा कर भूत बना दिए, भूत बने पाचे फिर उनके श्राद्ध खान लागे, न तो रोजी रोटी का धंधा बना लिया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इस आध्यात्मिक मार्ग को एक सही दिशा देने के लिए स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। और अब तो पुण्यात्माओं आपने कबीर सागर में देखा परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, अब दिखाएंगे वेद में। जब वेद में भी यही लिखा कि भगवान ऐसी लीला करता है तो फिर परमात्मा पहचानने में एक सेकंड लगेगी, हु इज गॉड, जिसने ये लीला करी हो वही गॉड। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9, और ये इन आर्य समाजियों द्वारा ही अनुवादित है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9-10 है, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। कहाँ से मुद्रित है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का 9 नंबर दिखाने से पहले थोड़ा सा आपको और ये बनाना पड़ेगा। ये देखिएगा ये 9वां मंडल है और ये प्रथम सूक्त है, और इसका प्रथम मंत्र यहाँ देखिए, इसमें लिखा है हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा है ये। फिर यहाँ देखिएगा दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मन आप, मंत्र 3 में हे परमात्मन आप, मंत्र 4 में हे परमात्मन, मंत्र 5 में हे परमात्मन, और मंत्र 6 में हे परमात्मन। इन मंत्र 7 में इनका याद आ गया कि आगे तो परमात्मा को साकार बता रखे है, तो इनकी भाषा बदल गया रही समाज के इन आचार्यों की, इन्होंने बात को उलझाना शुरू कर दिया। पहले तो परमात्मा हे परमात्मा परमात्मा की महिमा सुना रहे हैं, और वहाँ लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को कि कोई नू ना सोचेगा ये तो किसी व्यक्ति के बारे में बोल रखा होगा, भगवान के विषय में नहीं। जबकि अब आपको दिखाते हैं दानंद के द्वारा अनुवादित यजुर्वेद में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ये अनुवादित है, और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखना ये यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का 44वां अध्याय, और यजुर्वेद ये 44वां अध्याय, और ये मंत्र 17 में, इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष मूल पाठ में पुरुष है। इसका अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने, हे मनुष्य जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक
मुद से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पुरुष पूर्ण परमात्मा है, यानी पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। ठीक, हम फिर वापस आते हैं उसी ऋग्वेद में। अब ये फिर से ऋग्वेद उठा लिया दास ने, ये आपके समक्ष है, और अब हम यहाँ तक आ गए थे इसको पढ़ते हुए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 तक तो इन्होंने परमात्मा परमात्मा लिख दिया, और 7वें मंत्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को। देखो यहाँ लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को, फिर 8 में भी इन्होंने उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया। हम इसको मानेंगे उस परमात्मा को, ठीक है। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है जब सब जगह हाहाकार मच जाता है, लोगों में बुराई घर कर जाती है, कोई भी जो है नेक व्यक्ति नहीं रहता है, हाहाकार मच जाती है, सबके अंदर एक माया जोड़ने की दौड़ बढ़ जाती है, और धर्म से लोगों की आस्था उठने ही वाली होती है। ऐसी उग्र गतियां, ऐसी उग्र स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है संसार में, तो परमात्मा आते हैं। इसका अर्थ ये है, देखिए उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, ठीक है। आगे देखो इसका शेष यहाँ अनुवाद है, और जिसमें तीन प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है, यानी वो परमात्मा हमारे तीन प्रकार के शरीर को स्थिति बना करके हमें संभालता है, धारण पोषण करता है, हमारी परवरिश करता है, संभालता है। एक रूप में तो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, जिसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, इससे भी ज़्यादा, और दूसरी लीला करते हैं वो शिशु रूप धारण करके, प्रत्येक युग में ऐसे ही लीला करते हैं, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहाँ से कोई निसंतान दंपति उठा ले जाता है, फिर इसी तरह कुंवारी गाय से दूध पीते हैं और बड़े होते हैं, फिर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। और तीसरा वो ऐसा करते हैं कहीं पर भी साधु संत रूप बना कर जिंदा महात्मा का या ऋषि का कहीं प्रगट होकर के अपने प्रचार कर देते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हैं, और अपोच्छी आत्माओं को सचखंड ले जाकर वापस छोड़ते हैं ताकि वो भगवान के गवाह बन सके, ऐसी लीला करते हैं। तो ये उनमें से एक लीला जो शिशु रूप धारण करके करते हैं, तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में आपने देख लिया कि वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करता है और उग्र गतियां उसको प्रेरणा करती, तब वो शिशु रूप धारण करके आता है। जब शिशु रूप में प्रगट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, ये हमारे वेद प्रमाण कर रहे हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 आपने पढ़ लिया, अब 9वां पढ़ देंगे, ये 9वां है। इसमें ये शिशु रूप है, शिशु शब्द है, शिशु धेनव है गाय, धेनव है गाय गौवे। अब इसका यहां देखते हैं उस सोम माने, देखो सोम स्वभाव वाले पुरुष लिख दिया, अब यहीं पर ये खुद लिख रहा है सोम माने, ये पहले ही मंत्र में यही अनुवाद करता, सोम माने ये परमात्मन, सोम माने ये सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा, और यहाँ लिख दिया पुरुष। ये देखो इनका याद आ गई कि दानन तो निराकार बताया करता, कर दो उलझ पुलझ, वो कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ा और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना, इन्होंने खूब तूबा गार्डन की सोची है, सच्चाई को दबाने की चेष्टा की है, लेकिन ये दबा नहीं सके। ये देखो उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी उस अमर परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप धारण करके प्रगट होता है, इसका अर्थ ये है
इन्होंने क्या लिखा है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को शिशुमकार से लिख दिया कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। अभी माने पूर्ण रूप से सब प्रकार से लिख ही रहे अनुवाद, अधन्या का अर्थ होता अपनी मारी देसी भाषा लोकल लैंग्वेज के अंदर अधन्या माने बिना दनाई, बिना दनाई जिसको सांड ने बैल ने टच ना कर रखा हो। अभी अधन्या माने कति कुमारी, अधन्या तो है बिना दनाई, वह एक दो बार ब्याह पी रही हो गाय नए दूध ना हुए तो उसको बिना दनाई का आकर के बिना दनाई है अभी। और अभी अधन्या का अर्थ है पूर्ण रूप से कुमारी, अभी अधन्या माने कति कुमारी गौवें। अब देखो उस सोम यानी उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी माने सब पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनी यानी बिना दनाई यानी कति अनटच्ड, और देनव माने गौवें, देनव माने गौवें तृप्त करती हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब परमात्मा कहते हैं कि कह कबीर मिटाऊं सब रासा कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। कह कबीर तेरा मिटा दू सारा रासा सारा झंझट, तू कर मेरी पहचान, मुझे पहचान ले मैं भगवान हूं। मैं रोवत हूं सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस योग को समझ ना सकता कोई। कबीर साहब कहा करते कि मैं तन्नु रोऊं मेरे बच्चे तुम मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम्हें सुख दूंगा, मेरी बात मान लो या भक्ति कर लो, अरीन बुराइयां न छोड़ दो, गुटी रहना दारू पीना मांस खाना चोरी बकवाद करे मैं दूंगा, तुमने जो चाहिए वो दूंगा, पर मेरे नियम में चल के देखो कुछ दिन। तो फिर कहते मैं रोवे तू सृष्टि को, अरे यह सृष्टि रोवे मोहे, ये भगत श्रद्धालु किसी भी धर्म मजहब के भगवान के लिए भटक रहे हैं और मैं इनके लिए भटक रहा हूँ। इन नकलियां ने हमारे बीच मदरार पैदा कर दी, अज्ञानियों ने भगवान की परिभाषाएं बदल दी। जब हमारे चारों वेद परमात्मा की महिमा सुना रहे हैं और हम इनको ऑथेंटिक मानते हैं, इनमें जो लिखा फाइनल है परमात्मा की महिमा, और या कौन सी दवाइयां की किताब है, वेद कोई औषधि की बुक नहीं है, इसमें जो लिखा है परमात्मा के लिए लिखा है, और परमात्मा कैसी लीला करता है इसमें वर्णित है, और किसने ऐसी लीला की है, ही इज गॉड वही परमात्मा। तो ये लीला उस कबीर परमात्मा ने की जिसको दानव कहा करते, और परमात्मा कहा करते मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गरदासी, और मैं जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी ऐसी, मैं तो अजर अमर अविनाशी, मैं तो पूर्ण परमात्मा हूं। अब आपको आगे थोड़ा सा आधे घंटे के सत्संग में सारा निर्णय मिलेगा। अब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए और इस अध्यात्मक मार्ग को पूर्ण रूप से सुचारू वो परमात्मा ही करके जाते, नहीं तो काल ने तो आग लगवा रखी होती है, परमात्मा का सिर पैर नहीं छोड़ रखा होता। तो उन्होंने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सत्साहेब सर। क्या नाम है जी आपका? राधा गणेश यादव। राधा जी कहाँ से आए आप? जिला सातारा महाराष्ट्र से। जी क्या करते हैं आप? मैं पहले एक कंपनी में अकाउंटेंट थी, अभी मेरा जेंट्स वेयर कबीर साहब गारमेंट कपड़े का शॉप है खुद का। राधा जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे ही हमारे घर में जैसे हमारे समाज में पारंपरिक भक्ति थी वो करती थी, और जो भी बड़े लोग करते हैं वह उनका ही देख के मैं भी गणेश जी की और गुरुदेव दत्त जी की भक्ति करती थी,
मेरे को ना बचपन से ही भगवान बहुत प्रिय लगते थे। उनकी मूर्ति ना जहाँ कहीं भी मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँ तो वहाँ से मूर्ति खरीद के लाती थी, घर में उनको बिठाती थी मंदिर में, और उनके साथ घंटों बातें करती थी कि आप भगवान हो, आप कभी तो सामने आओगे, ऐसे में भक्ति करती थी। तो मैं ऐसे ही बचपन से भक्ति करती थी। जैसे जैसे मैं स्कूल जाने लगी, बड़ी होने लगी, जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैं महाराष्ट्र में संतों की भूमि है तो मैंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पढ़ा, भगवद गीता पढ़ी, तो उसमें से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि ये कुछ अच्छा है, तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। जैसे कि वहाँ को रात को 9 से 12 बजे उनके प्रवचन होते थे, कीर्तन होते थे, वो मैं सुनने जाती थी, डायरी लेके जाती थी, मैं सब नोट करती थी कि वो एक अध्याय लेते हैं या फिर एक दोहा लेते हैं और उस पर वो विस्तारित से बात करते हैं, बताते हैं कि हमने कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है, तो मेरे को वो अच्छा लगने लगा। तो मैंने भी उस पर स्टडी किया और मैं भी खुद एक वक्ता बन गई, मैं भी प्रवचन करने लगी कॉलेज के टाइम में ही। तो मैं ऐसे देखती थी कि जब भी सारे श्रद्धालु आगे बैठते हैं और मैं प्रवचन करती हूँ तो वो मेरे से ये चाहते हैं कि ये हमें कुछ मतलब उनके जो दुख थे वो उनका दुख का निवारण मैं करूं, लेकिन मेरे को ही एक दुख था कि मेरे को भगवान चाहिए था जो मेरे को नहीं मिल रहा था। तो मैं उस बात से संतुष्ट नहीं थी कि जो मैं बता रही हूँ इनको ये सही नहीं है, मेरे को सही भगवान चाहिए, मेरे को भी कोई गुरु चाहिए, मैं खुद गुरु नहीं बनना चाहती थी। तो राधा जी, आपकी जो परमात्मा की तलाश थी वो कैसे पूरी हुई? जी, मेरी शादी होने के बाद, मैं बचपन से इतनी भक्ति करती थी, तो शादी होने के बाद 6 महीने में मेरे को उस घर में मतलब जहाँ पर मेरी शादी हुई वहाँ पर मेरे को ये बात पता चली कि इनके घर में छोटा जो छोटा संतान है उसको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होता था। तो मेरे को तो ये बात सुन के बहुत डर लगा कि मैं तो भक्ति पहले से ही करती थी, तो मैंने और भक्ति बढ़ा दी। तो मेरे को ये बात था कि गुरु करना चाहिए, गुरु से मोक्ष मिलता है या गुरु करने से कुछ हमें लाभ भी मिलते हैं। जैसे कि मेरे को संतान नहीं था तो मैं इनकी खोज में थी ही, तो मैंने रत्नागिरी में जाके नरेंद्र महाराज करके है उनसे नाम दीक्षा ली, उनकी भक्ति करने लगी। उन्होंने कुछ गन गन गना तब होते ऐसा मंत्र दिया, वो करने लगी। मैं साल भर वो मंत्र किया, इतने मन से किया, लेकिन फिर भी मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसके साथ मैं डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट कर रही थी, जैसे कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो मैं हरियाणा पंजाब जहाँ भी उनके साथ जाऊँ, जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ बड़े 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 डॉक्टर को दिखा रही थी। जैसे कि मैं दिल्ली में भी आई थी तो सबसे बड़ा RR हॉस्पिटल करके है, वहाँ बहुत सारे बाहर से डॉक्टर आते हैं, मतलब परदेश से डॉक्टर आते, तो उनको भी दिखाया था। मेरे मतलब डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपके रिपोर्ट्स नील है, आप में कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको संतान ना हो, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही थी। वैसे भी मैं आध्यात्मिक में ज़्यादा रुचि रखती थी तो मैं भगवान पे भरोसा करती थी कि है भगवान तो वो मिलेगा, तो मैं ऐसे ही भक्ति करती रहती थी। तभी एक दिन मेरे हस्बैंड ने जम्मू कश्मीर से मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे संत हैं और उनका मैं आपको एक ज्ञान गंगा करके बुक कुरियर से भेज रहा हूँ, आप वो पढ़ना, उनके सत्संग आते हैं, उनके सत्संग आते वो भी सुनना, एक मेमोरी कार्ड भी लेना, मतलब डाउनलोड करना यूट्यूब से, ऐसे करके मेरे को उन्होंने सब बात बताया कि आप ढूंढ लो, सर्च करो तो आपको उनके सत्संग भी मिलेंगे। तो उन्होंने मेरे को बुक भेजा तो मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया, फिर उनके सत्संग देखना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को आध्यात्मिक पहले ही रुचि थी, जो मैंने ग्रंथ भी पढ़े थे, तो अब मेरे समझ में आने लगा कि सच में इनमें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ के साथ बताया है कि भगवद गीता में क्या है, ज्ञानेश्वरी में क्या है, और मैं जो पढ़ रही थी या मैं भी प्रवक्ता बन के किसी को सुना रही थी वो तो सब गलत था। जो मैं किसी को बता रही थी वो शास्त्रों के विरोध था, और जो मैं अभी ज्ञान गंगा बुक में पढ़ रही हूँ, जो मैं TV चैनल पर देख रही हूँ कि वो एक एक अध्याय का अर्थ प्रमाण के साथ बता रहे, तब वो बात मेरे समझ में आई। मैंने पूरा पुस्तक पढ़ लिया, उनका सत्संग भी सुना, और ये सब ज्ञान समझ के मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा बरवाला आश्रम सतलोक हरियाणा में जाके 25 दिसंबर 2013 को मैंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने बहुत सारे गुरु बनाए, उनको अपनी समस्या भी बताई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला। डॉक्टर्स के पास भी आप गए अपनी समस्या को लेके, बहुत सारा ट्रीटमेंट भी आपने करवाया, लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं तो आपकी संत रामपाल जी महाराज से क्या बात होती है? क्या उनसे आप मिल पाते हैं? क्या आपने अपनी समस्या संत रामपाल जी महाराज को बताई?
जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पहले दो गुरु किए थे। जब मैं उन गुरुओं के मिलने गई थी तब मैंने वहाँ का सिस्टम देखा था कि वहाँ पे वीआईपी की लाइन अलग होती है, पुलिस की लाइन अलग होती है, आर्मी की लाइन अलग होती है, और जो गरीब है उनकी लाइन अलग होती है। और फिर दर्शन के लिए जब दिन सुबह से लेकर शाम तक नंबर आता है तो बताया जाता है कि गुरु जी अब नहीं है, कल सुबह दर्शन मिलेगा। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी, मतलब ये समझ आ रहा था कि यार ऐसा क्यों हम दुखों के लिए उनके पास आते हैं और वो हमसे मिलते भी नहीं है, और अगर हम बहुत दूर दूर से आए तो हम रहेंगे कहाँ। तो उनकी जगह रहने के लिए भी पैसे देना है, खाने के लिए भी पैसे देना है, कंबल ओढ़ने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी पैसा देना है। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गई थी तो मैंने ये डिफरेंस देखा कि वहाँ तो बस एक की लाइन है, चाहे वीआईपी आए, मंत्री आए, पुलिस आए, आर्मी वाले कोई भी आए, सभी एक लाइन में जाएंगे। और वहाँ तो सुबह से लेके शाम तक गुरु जी हर एक से मिल के सर पे हाथ रख के एक एक को आशीर्वाद दे के उनके दुख पूछ पूछ के दर्शन दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब जो मैं न्याय देने वाला भगवान जो ढूंढ रही थी कि इस दुनिया में न्याय नहीं है कहाँ, और वो दे सकता है तो बस एक भगवान दे सकता है। और जब मैं बरवाला आश्रम गई तब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ न्याय मिलता है और वो सबको ऐसे दर्शन देते हैं। जब वो दर्शन देने के लिए आते हैं तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, संत रामपाल जी महाराज हर एक को दर्शन देके हर एक का दुख सुन के ही वो वापस जाते थे। ये डिफरेंस मैंने इन दो गुरुओं में देखा। और जैसे ही हम मतलब मैं बरवाला आश्रम पहुंची थी तो 9:30 बज चुके थे। हमने जैसे ही नाम दीक्षा ली, वहाँ पे हमें नियम बताए गए, हमने नाम दीक्षा ली। अभी दर्शन लेना चाहती थी, जैसे कि मेरे को उनके दर्शन करने ही थे, क्योंकि मेरे को पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो कबीर साहेब के रूप है, जो बरवाला धाम में आए हुए वो भगवान है, तो उनको मैं देखना चाहती थी। लेकिन अभी वो दर्शन देके चले जा चुके थे और अब हम दो पति पत्नी ही थे दर्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा कि मतलब इतने बड़े संत हैं वो, और दो आदमी के लिए वो दर्शन के लिए फिर वापस आ गए और मुझे और मेरे पति को उन्होंने दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के बारे में भी एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे को बचपन से आदत थी कि मूर्ति में मैं भगवान ढूंढ रही थी, मेरे को वो दिखना चाहिए, जैसे ही मैं बरवाला आश्रम में मतलब संत रामपाल जी महाराज मेरे को दर्शन देने आए तब उनका साक्षात दर्शन देखा मैंने, जैसे कि उनके शरीर से रोम रोम ऐसे प्रकाश आ रहा है जैसे मैंने अभी तक वो टीवी पे ही देखा था, जैसे कि चक्र घूम रहा है, और वो इतने इतने सुंदर दिख रहे थे कि मतलब छोटा बच्चा भी इतना सुंदर नहीं होता, इतना सुंदर मेरा भगवान मुझे दिखाई दिया जो आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहेब के ही रूप है, जो मेरे को बरवाला आश्रम में उन्होंने साक्षात दर्शन दे के बताया जी। राधा जी, जैसे आपने बताया कि जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में गए तो आपने संत रामपाल जी महाराज का एक प्रकाशमय नूरी रूप देखा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको जो 7 साल से इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जो आपको बीमारियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उसमें भी आपको कोई लाभ मिला? जी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया तब उनको, वो आर्मी में बॉक्सर थे तो वो बॉक्सिंग रिंग में जब खेल रहे थे तो गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। जैसे उनको आशीर्वाद मिला 80% उनको राहत तो वहाँ मिल गई, और जैसे वो बाहर आके हमसे हम दोनों ने बात किया गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि अभी आप मतलब जो परमेश्वर से मांगा है वो आपको मिला है। तो उसी उसके हफ्ते बाद ही मैंने अपना प्रेगनेंसी चेक किया तो मैं पॉजिटिव थी और मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका था। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र लेने से, उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिला था, जो कि मैं 7 साल पहले इतना भक्ति करती थी, इतने गुरु किए थे, मतलब मैं बहुत बचपन से भक्ति करती थी, तब भी मेरे को किसी भगवान से ये नहीं मिला। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने ऐसे अरदास किया, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की जब से नाम दीक्षा लिए तब से बहुत सारे मतलब रोज डेली उनके लाभ होते हैं। लेकिन फिलहाल ये अभी एक जो इंसिडेंस हमारे साथ हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, मैं बताना चाहूँगी जी। मैं और मेरे हस्बैंड कोविड में मतलब कोविड पॉजिटिव हुए, मेरी हालत तो ठीक थी लेकिन मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब थी। उनका 23 स्कोर था और वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। आईसीयू में 7 दिन मैं उनके साथ थी, मतलब जैसे उनका ऑक्सीजन निकाल जाए तो मछली की तरह तड़प रहे थे, और इतने सीरियस थे मेरे पति। तो एक दिन डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका ऑक्सीजन लेवल 100 सेचुरेशन रखने के बाद भी इनको सांस लेना नहीं आ रहा है, तो भी यहाँ से गला काटना पड़ेगा और यहाँ से नलिया डाल के उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। मेरे को इस बात से बहुत डर लगा, नहीं
मेरे मतलब जो परमेश्वर की मैं भक्ति करती हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की, तो इसमें से ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने उस टाइम तो डॉक्टर को कुछ भी बात नहीं बोला, मैं शाम को आपसे बात करूँगी ऐसे करके बोला। और जब मैंने प्रार्थना लगाई, मतलब मनोमन आत्मा से प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से कि आपने जीवन दान तो दे दिया, लेकिन आप श्वास बढ़ाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये ऑक्सीजन था जो कम पड़ रहा था वो बढ़ाने के लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे मैं मन में प्रार्थना करी। उसी दिन रात को मैं ऐसे रो रो के संत रामपाल जी महाराज जी से बात किया। उसी दिन 3 बजे जिस हॉस्पिटल में मेरे पति थे वहाँ पे और 11 पेशेंट थे जिनका सेचुरेशन 80% था, किसी का 85% था, लेकिन इनका बहुत कम था, 70-75 था। तो मतलब सबसे खराब स्थिति इनकी थी, सबसे पहले ये मरने वाले थे, ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि आप इनके ऊपर पैसा मत खर्च करो। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसा बात किया, उसी दिन 3 बजे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिया, उनको अमृत जल पिलाया। और जैसे ही उनको अमृत जल पिलाया, उनके फेफड़े जो 23% मतलब डैमेज हो चुके थे, वो इतने मतलब जैसे अमृत जल पिया तो उस फेफड़े में से वो अंदर जाते हुए उन्होंने महसूस किया, और उसके बाद उनका सेचुरेशन बढ़ने लगा। डॉक्टर भी हैरान था कि सुबह ऑपरेशन करवाना है, जब उन्होंने आके देखा तो इसका सेचुरेशन तो बढ़ गया, इसको अभी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे हॉस्पिटल में वो 11 पेशेंट और थे जो जिनकी स्थिति अच्छी थी और मेरे हस्बैंड की स्थिति बहुत ख़राब थी, तो मैं एक हफ्ते की बात बता रही हूँ, उस हफ्ते में वो 11 के 11 पेशेंट चले गए, लेकिन पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी, तो मैंने आंखों से देखा है 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। ये बहुत बड़ी दया परमेश्वर की हुई है। मैं और एक दूसरा लाभ बताना चाहती हूँ। जब मेरा बच्चा 9 मंथ का था तो मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे जा रहे थे, 70 की स्पीड से बाइक चला रहे थे हस्बैंड, अचानक से आगे से कोई आ गया तो उन्होंने अर्जेंट ब्रेक लगाया, बच्चा मेरी गोदी में था, मैं ऐसे गिरी, मैं 5 फीट आगे गिरी, उससे आगे भी मेरा बेटा 5 फीट आगे गिरा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बस मेरे को थोड़ा सा खरोच यहाँ पे आया, लेकिन जो मेरा बेटा है ना उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है, इतना छोटा बेटा, मैं उछल के कूदती हूँ, उससे भी आगे बेटा कूदता है तो उसको कितनी चोट आनी चाहिए थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे को जीवन दान दिया मेरे बेटे को संत रामपाल जी महाराज जी ने। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे जीवन दान दिए, आपके बच्चे को जीवन दान दिया, इतनी सारी समस्याओं से आपको बचाया, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को, मेरे भाई बहन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखो, हम सुशिक्षित है, आज सभी को ज्ञान है कि हमें पढ़ना चाहिए, हर एक कोई ना कोई किसी दुख से परेशान है, कोई ना मतलब हम सब भगवान की खोज करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान कौन है, हम यहाँ कैसे आए हैं। तो मैंने भी बहुत सारे किताबें पहले पढ़ी थी तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि इसमें कुछ बताया भी है, लेकिन जब ज्ञानगंगा बुक पढ़ी तो मुझे सृष्टि रचना पता चली कि हम यहाँ कैसे आए हैं, ये काल देवता कौन है, हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट्स क्यों घटते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, हमने ढूंढना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारी पारंपरिक भक्ति है, हम अंधे होकर वो भक्ति करते रहते हैं और रोते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, आप भी मतलब पढ़े लिखे हो तो उनके बहुत से चैनल पे सत्संग आते हैं, वो सुनो, उनकी ज्ञानगंगा बुक पढ़ो, जीने की राह बुक है वो पढ़ो। राधा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, उनके सत्संग बहुत सारे चैनलों पे आते हैं, तो उसके नीचे पट्टी आती है नीली कलर की, उसमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं, अपने जिले के नामदान केंद्र का पता करके आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज